रामनवमी के अवसर पे एकत्रित हुए हैं और सबने कहा है कि श्री राम के बारे में महाभारत है। आप जानते हैं कि हमारे चक्रों में श्री राम बहुत महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं, वो हमारे राइट हार्ट पर विराजित है। श्री राम एक पिता का स्थान लिए हुए हैं, इसलिए आपके पिता के कर्तव्य में या उसके प्रेम में कुछ कमी रह जाए तो ये चक्र पकड़ सकता है। सहयोग में हम समझ सकते हैं कि राम और सब जितने भी देवताएं हैं, जो कुछ भी शक्ति के स्वरूप संसार में आए हैं, वो अपना अपना कार्य करने आए, उसमें श्री राम का विशेष रूप से कार्य है। जैसे कि सोक्रेटिस ने कहा हुआ है कि संसार में बेनेवोलेंट किंग आना चाहिए, उसके प्रतीक रूप श्री रामचंद्र जी इस संसार में आए। सो वो पूरी तरह से मनुष्य रूप धारण करके आए थे। वो ये भी भूल गए थे कि मैं श्री विष्णु का अवतार, भुला दिया गया, किंतु सर्व संसार के लिए वो एक पुरुषोत्तम राम थे। कि बचपन का जीवन सब आप जानते हैं और उनकी सब विशेषताएं आप लोगों ने सुन रखी है। हम लोगों को सहयोग में ये समझ लेना चाहिए कि हम किसी भी देवता को मानते हैं और उसको हम अपना आराध्य मानते हैं, तो हमारे अंदर उसकी कौन सी विशेषताएं आई हुई, कौन से गुण हमने प्राप्त किए। श्री रामचंद्र जी के तो अनेक गुण हैं, क्योंकि तो पुरुषोत्तम थे। उनका एक गुण था कि वो जिस राजकारण को करते थे उसमें सबसे ऊंचा उन्होंने जन का मत रखा, न कि अपनी पत्नी या अपने बच्चे, इनका ख्याल किया। आजकल के हमारे घर राजकीय लोग, पॉलिटिशियंस इस चीज को समझ लें तो उनसे स्वार्थ ही निकल जाए, वो निस्वार्थ हो जाए, धर्मपरायण हो जाए। कि तो श्री राम की जो प्रतिमा है वही आज तक किसी ने भी अपनाने का प्रयत्न नहीं किया। उल्टे उनके भजन जरूर गाएंगे, उनके नाम से बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन यह सब बना लेने से क्या श्री राम आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, क्या आपके जीवन में उनका प्रकाश आ सकता है या नहीं। यह सिर्फ सहयोगी ही कर सकते हैं कि अपने अंदर बसे हुए श्री राम को अपने चित्त के प्रकाश में लाए। वो अत्यंत निरपेक्ष थे, ऐसे तो सभी देवता लोग किसी भी पाप पुण्य से रहित होते हैं। कोई सा भी पाप जिसे हम पाप कहते हैं वो अगर करें तो वो पाप नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण ने इतने लोगों को मारा, श्री राम ने रावण का वध किया, ये हमारे दुनियाई दृष्टि से हो सकता है कि पाप हो, किंतु परमात्मा की दृष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने दुष्टों का नाश किया, इन्होंने बुराई को हटाया और इनको अधिकार है कि ये इस कार्य को करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। जैसे देवी ने राक्षसों को संहार किया, राक्षसों का संहार किया तो कोई कहेगा कि देवी ने पाप किया, किंतु उनका कार्य ही ये है कि वो राक्षसों का संहार करें और जो साधु हैं उन लोगों को संभाले।
श्री रामचंद्र जी के जीवन में एक अहिल्योद्धार बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया क्योंकि उसके पति ने उसे शापित कर दिया था। उस जमाने में भी कोई स्त्री अगर किसी भी तरह से वाम मार्ग में चली जाती थी तो उसका पति अगर साधु हो और उसकी स्थिति अगर ऊंची हो तो उसे शापित कर देता था। किंतु अहिल्या पर झूठा ही उन्होंने आरोप लगाया था, इल्जाम लगाया था और इस तरह से उसको भी उन्होंने पत्थर बना दिया। तो श्री राम ने उस अहिल्या का भी उद्धार कर दिया। विशेषकर उनकी जो पत्नी के प्रति प्रेम की एक पत्नी व्रत के प्रति जो एक उनका व्रत था वो बहुत समझ रहा है। हालांकि वो जानते थे कि सीता जी महालक्ष्मी स्वरूपा है, वो स्वयं देवी है, किंतु मनुष्य के रूप उन्होंने अपने पत्नी के सिवाय किसी और स्त्री के तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। जब हम राम की बात करते हैं तो हमारे अंदर जो पतित्व है वो भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए। अगर कोई स्त्री श्री राम के बारे में सोचती है तो उसको भी अपने पति के प्रति वैसी ही श्रद्धा होनी चाहिए जैसे सीता जी को अपने पति के प्रति थी, और उसी प्रकार पति को भी श्री राम जैसे एक पत्नी व्रत होना चाहिए। सहयोग में बात कठिन नहीं, स्त्री का मान रखना चाहिए, अपने पत्नी को मान से रखना चाहिए। और हालांकि रावण उनको उठा ले गए थे तो भी श्री राम ने यह कर्तव्य समझा कि सीता जी को वहां से छुड़ा कर लाए और लोकनंदा के लिए जनमत को रखने कितना उनमें संतुलन था, उसी सीता को जिसके लिए इतने वर्ष मेहनत करके उसको छुड़ा कर लाए थे उन्होंने त्याग दिया। अर्थात सीता जी स्वयं साक्षात देवी थी तो उनका त्यागने का तो कोई विशेष परिणाम नहीं होने वाला था और उन्होंने उन्हें त्याग दिया। कारण लोग ऐसी बातें करते हैं जो जन हित के खिलाफ, क्योंकि उनका आदर्श इसी तरह से ऐसा ना बन जाए कि जिससे लोग अपने यहां इस तरह की औरतों को पल पाए इन पर की लोग शक करते। हालांकि वो निष्कलंका थी और देवी स्वरूपा स्वच्छ निर्मल थी, उनको त्यागने पर भी फिर सीता जी ने भी उनका एक तरह से त्याग कर दिया। उन्होंने स्त्री जैसे रामचंद्र जी का त्याग किया और श्री राम ने एक पुरुष के जैसे उनका त्याग। सीता जी स्वयं ही पृथ्वी में समा गई और फिर अंत में श्री राम जी ने भी सरयू नदी में अपना देह त्याग किया। इस प्रकार इनका जीवन अत्यंत घटनात्मक और बड़ा चमत्कारपूर्ण है। सारे जीवन में देखिए तो सीता और राम का आपस का व्यवहार और उनका एक दूसरे के प्रति श्रद्धामय रहना। हालांकि उन्होंने सीता जी का त्याग किया था पर सीता जी ने सोचा कि ये उनका परम कर्तव्य है और उन्होंने कभी उनकी बुराई नहीं, उनके बारे में कभी बुरा नहीं कहा और बड़ी सुगमता से अपने बच्चों को चलाया, उनको पनपाया, उनको बढ़ावा दिया। इस श्री राम के जो दो बच्चे हुए जिनको हम लव और कुश कहते हैं वो भी एक भक्त स्वरूप कहना चाहिए कि जो संसार में आए उनको हम शिष्य की तरह से देख सकते हैं। ये शिष्य के द्योतक है और हमारे वे भी शिष्यत्व की एक शक्ति है जिससे हम किसी के शिष्य हो सकते। शिष्य स्वरूप इन लोगों ने बहुत छोटी उम्र में धनु विद्या सीखी थी और इस छोटेपन में ही उन्होंने रामायण आदि और संगीत पर बहुत ही कुछ प्रावीण्य पाया था। इसका मतलब यह है कि शिष्य को पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित होना चाहिए। ये शिष्य का जो स्वरूप है यह हमारे अंदर भी सबके स्थित है और माँ जो कि शक्ति थी उसके प्रति वो पूरी तरह से समर्पित है। उस वक्त श्री राम से भी लड़ने के लिए वो तैयार हो गए क्योंकि अपने माँ के लिए, तो माँ को उन्होंने दुनिया में सबसे ऊंची चीज समझी और उस माँ ने भी अपने बच्चों को पालना
उनका संवर्धन करना, उनको धर्म में खड़ा करना और उनकी पूरी प्रगति करना एकमेव कर्तव्य की है। नहीं तो अपने आजकल की औरतें रात दिन रोते ही रहेंगे, मेरे पति ने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया, और जब पति मिलेगा तो उससे लड़ती रहेंगे हर समय, और जब पति ने छोड़ दिया तो रोती रहेंगी। छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं, इनको मुझे संभालना है, और इनके प्रति कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे मेरे बच्चों का कुछ कम रह जाए। ये एक सीता जी की एक विशेष जीवनी है कि उनकी वीरता और उनका साहस, ये हर स्त्री को अपने अंदर बसाना चाहिए कि पति से अगर बिछो भी हो गया और किसी तरह से उसे दूर भी हट गए तो भी पति के कारण अपना नुकसान नहीं कर लेना चाहिए, अपने बच्चों का नुकसान नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके लिए अपना जो कर्तव्य है वही परम चीज है, उस परम चीज पे अटूट रहना चाहिए। यही हमारे सहयोग में शक्ति में जो पाया है उसे हर स्त्री को प्राप्त कर लेना चाहिए। श्री राम का जीवन भी जैसे अत्यंत शुद्ध और निर्मल था, और उन्होंने अपने पत्नी के लिए सब चीज त्याग दी थी। जब से उनकी पत्नी वनवास में रह गई या जब उन्हें अकेला रहना पड़ा और जब उन्होंने उसका त्याग कर दिया तो उन्होंने भी दुनिया के जितने भी आराम थे उन्हें छोड़ दिए। उसके लिए आप जानते हैं कि वो कुश पे सोते थे, जमीन पर सोते थे और बगैर कुछ पैर में पहने हुए और बहुत साधु पुरुष जैसे कपड़े पहन के घूमते थे। ये जो है ये कहानियां नहीं, ये सत्य है। अपने दुनिया में इस भारतवर्ष में ऐसे अनेक लोग हैं जिनका जीवन एक बहुत ऊंचे किस्म का रहा और उन्होंने कभी ऐसी छोटी ऊंची बातें सोची नहीं। पर ये सारे आदर्श हमारे देश में आने के बाद ये हो गया कि जब हम इन आदर्शों को देखते हैं तो हमारे अंदर ढोंग आ गए कि हम सोचते हैं कि हाँ राम तो हमारे, हम राम को मानते हैं, हमने राम का भजन कर दिया होगा, तो एक तरह का ढोंगीपना बहुत आ गया हमारे। जिन देशों में ऐसे आदर्श नहीं है तो वो कोशिश करते हैं कि हम आदर्श कैसे बने, हम कैसे अपने को ठीक बनाए, क्योंकि आपके सामने एक आदर्श आगे बन गया राम, अब हम तो नहीं राम हो सकते, अब बन गए कृष्ण, हम तो कृष्ण नहीं हो सकते, और ये बन गए वो बन गए, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, इस तरह की भावना हम लोग कहते। लेकिन हमारे अंदर अगर श्री राम है तो उनका प्रकाश हमारे चित्त में तो आ ही सकता, क्यों नहीं आ सकता, हम क्यों नहीं इसे प्राप्त करें, हम उस स्थिति को जानने क्यों नहीं कोशिश करें जिस स्थिति में श्री राम इस संसार में आए थे। एक सहयोगी को ये विचार कर लेना चाहिए कि श्री राम की स्थिति अगर हम प्राप्त कर लें तो अपने यहाँ का राजकारण ही खत्म हो जाए, अपने यहाँ की जितनी परेशानियां हैं ये सब खत्म हो जाए, जिस दिन सहयोगी ये अपने मन में ठान ले कि हम रामचंद्र जी जैसे हो। अपने देश में जहां वो राज्य करते थे उसका बिल्कुल निरीक्ष भाव से विदेह रूप से वो लालन पालन करते थे और सब तरह की अच्छाइयां लोग में आए, उनमें धर्म आ जाए पहली चीज, उनके अंदर शिक्षा हो जाए, उनकी उन्नति हो जाए, उनके अंदर महान आदर्शों की स्थापना हो, ऐसा उन्होंने पूरी समय प्रयत्न किया और उसलिए अपना जीवन बहुत आदर्शमत बना। कर समझ लीजिए कि जो आदमी आपको कुछ कह रहा है और वो स्वयं ही वैसा नहीं तो आपको उसके प्रति कभी श्रद्धा हो ही नहीं सकती और आप उसके गुण ले नहीं सकते। किंतु बहुत से लोग हमेशा कहते हैं कि हम इनको मानते हैं, हम उनको मानते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ उसके बिल्कुल उल्टे होते हैं। जो राम को मानते हैं वो सबसे बड़े चोर पॉलिटिशियंस होते हैं या उनकी 10-10 बीवियां होती, तो राम को आप कैसे मानते हैं। इसी प्रकार जीवन में एक सहयोगी का कर्तव्य क्या होता है कि हमें भी इन देवताओं के प्रकाश को हमारे चित्त में लाना चाहिए, हर चीज की ओर उसी तरह से देखना चाहिए। श्री राम क्या करते हैं, इस वक्त अगर ऐसा प्रश्न आता तो श्री राम क्या करते, ऐसा अगर प्रश्न आता तो सीता जी क्या करते, सीता जी क्या कहते, सीता जी का क्या बनता होता, इस तरह से अगर कोई सोचे स्त्री
तो वो घर की गृह लक्ष्मी हो ही जाए। आप तो जानते हैं सहयोग में सीता जी ने अनेक जन्म उसके बाद लिए और उसमें से गृह लक्ष्मी का स्थान उन्होंने जो है तो फातिमा बी के तरह से किया। वो घर में घूंघट में पर्दे में रहती थी पर वो सारा धर्म का कार्य उस शक्ति ने किया। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप बाहर जाकर के बहुत बड़े लेक्चर दें या बहुत बड़े कोई लीडर हो जाए, कोई जरूरी नहीं। आप घर में रह करके भी ये कार्य कर सकते हैं। अपने बाल बच्चे हैं और आपके और इष्ट जो है आपके जो आप्तेष्ट है उन सब में आप सहयोग फैला सकते हैं, लेकिन पहले आप पे ये चीज आनी चाहिए। उसके बाद जब ये सब कार्य होने के बाद फिर आप समाज में भी आ सकते हैं और उसके बाद और भी आप कहीं जाना चाहे तो जा सकते, पर पहले औरतों को सीता जी जैसे शुद्ध आचरण की होना चाहिए। शुद्ध आचरण में पहली चीज है ममता और प्यार। वो जब जंगलों में रहती थी अपने पति के साथ, कभी उसने ये नहीं कहा कि मेरा पति ये पैसा नहीं कमाता, वो पैसा नहीं कमाता, जैसे हमारे यहाँ औरतों की आदत होती है, ये चीज नहीं खरीदता, वो नहीं खरीदता। वो जंगल में है तो मैं भी जंगल में, वो जो खाते हैं वो मैं खाती, वो खाने से पहले मैं खा ले, ऐसा तो नहीं ना करती। वो खा ले, उनको खाना खिला दे, अपने देवर को खाना खिला दे, उसके बाद मैं खा लू। इस पर औरतें ये सोचती हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इससे प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है। ये बात नहीं, ये पृथ्वी तत्व जैसे स्त्री होती है, इसमें इतनी शक्ति है कि ये बहुत दबाव को खींच सकती है। और सारे दुनिया को देखिए कितने फल फूल आदि पत्तियां सब दे रहे। इसी प्रकार इस पृथ्वी तत्व के जैसे ही हम स्त्रियां हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम सब तरह की चीज अपने अंदर समा सकते हैं और अपने अंदर से हम हमेशा प्रेम की वर्षा दे सकते हैं। ये हमारे अंदर परमात्मा ने शक्ति दी है। तो आप अगर ये शक्ति आपके अंदर अगर है, समझ लीजिए पंखा चल रहा है तो इसकी शक्ति जहां से आ रही है वो शक्ति का स्थान ज्यादा बड़ा है कि पंखा। अगर ये सोचे कि ये पंखा चल रहा है, दुनिया के सामने पंखा दिखाई दे रहा है तो ये बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं गलत है। स्त्री शक्ति स्वरूपिणी बहुत शक्ति का सागर है और उसके सहारे ही पुरुष जो है वो अपने कार्य को करता है। एक जैसे उसको कहते हैं कि पोटेंशियल और एक काइनेटिक, तो पोटेंशियल तो स्त्री है और पुरुष जो है काइनेटिक। लेकिन पुरुष को देख करके, क्योंकि वो दौड़ ज्यादा सकता है तो औरत भी दौड़ने लग जाए, उसको दौड़ने की जरूरत, उसको बैठने की जरूरत है। दोनों ही क्रियाएं अलग अलग है और उस क्रिया में दोनों को समाधान होना चाहिए और दोनों ही क्रिया में स्त्री बहुत पनप सकती है। और जब समय आता है तो स्त्री पुरुषों से भी ज्यादा काम कर सकती है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में ताराबाई नाम की एक 17 साल की विधवा थी, 17 साल की, और शिवाजी की वो बहुत ही छोटी वाली, सब हार गए औरंगजेब से, इसने औरंगजेब को हरा दिया 17 साल की उम्र में और उसकी कब्र बना दी औरंगाबाद। तो आप समझ सकते हैं कि जब औरत अपने शक्ति को पूरे तरह समा लेती है, जब उसमें समान निमित्त कहते हैं ना, उस तरह से अपने अंदर सब समाये रखती है तो वो बड़ी प्रचंड होती है। और अगर वो ऐसी इधर उधर अपनी शक्ति को फेंकती रहे, फ्रिटर अवे, कहीं इधर शक्ति फेंक दी, गई उस लड़ने में गई, कहीं झगड़े में गई, किसी की बुराई में गई, कहीं ओछेपन में गई, तो उसकी शक्ति सारी नष्ट हो जाती। तो स्त्री जो है वो इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो चाहे तो पुरुषों से कहीं अधिक कार्य कर सकती है, पर सबसे पहली चीज है वो अपनी शक्ति का मान रखे। उसको इधर उधर फेंकने से, उस शक्ति को नष्ट कर देने से फिर वो शक्तिहीन हो जाती है और ऐसी शक्तिहीन स्त्री किसी काम की नहीं है। तो स्त्री का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, गौरवपूर्ण है और बहुत लज्जाशील और बहुत सूझबूझ वाली होनी चाहिए। जैसे आदमी लोग गाली बकते हैं, बकने दें, औरतें नहीं बक सकती। आदमी लोग हैं आपस में, देखा उनका कि बहुत झगड़ा होगा तो मारपीट कर लेंगे, कर लेंगे, औरतें नहीं कर सकती। इनका कार्य शांति देने का है, इनका कार्य है संरक्षण का, इनका काम है लोगों को बचाने का। अब जैसे कि एक ढाल है, ढाल तलवार का काम नहीं कर सकती और तलवार ढाल का काम नहीं कर सकती, पर ढाल बड़ी की तलवार, ढाल ही बड़ी है।
जो तलवार के वार सहन कर ले वो बड़ी की तलवार बड़ी, एक आध बार तलवार भी टूट जाएगी पर ढाल नहीं टूटती। इसलिए औरतों को भी अपने शक्ति में समा लेना चाहिए, और इस शक्ति की सबसे बड़ी जो धुरा है वो है नम्रता। नम्रता पूर्वक अपनी शक्ति को अपने अंदर समा लेना चाहिए। ये कार्य कठिन नहीं सहयोगियों के लिए, सहयोगियों के लिए बिल्कुल कठिन है। मैं देखती हूँ कि बहुत सी सभी सहयोगिनी औरतें इतनी बकवास करती हैं, उनको पता नहीं क्या, कभी जाएंगी तो आदमियों से बक 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 करेंगी। एक साहब डर गया है, माता जी मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने कहा क्यों, मेरे पीछे लगे। मैंने कहा कौन? कहले वो जो बहुत बोलती है। अरे मैंने कहा बोलती है बहुत? हाँ। कहले माँ मुझे बचाओ, कुछ तंग आ गया। तो आ करके मेरे कमरे में छिप। तो ज्यादा आदमियों से बात करने की जरूरत ही नहीं, बेकार की बकवास करने की जरूरत क्या। औरतों में भी एक बेकार की बकवास करने की जरूरत है। सहयोग में मैंने ये देखा है कि आदमी लोग सीखते हैं, ऐसे औरतों को भी सीखना चाहिए। सहयोग क्या है, इसके चक्र क्या है, कौन से चक्र से आदमी चलता है, कौन से चक्र से उसकी क्या दशा होती है, क्या होती है, इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये सब आदमी सीखेंगे तो औरतें पीछे रह जाए। ये सब औरतों को सीखना चाहिए। अब पुरुषों की बात कहना है तो श्री रामचंद्र का हमारे सामने आदर्श। मुझे लगता है कि इस मामले में मुसलमानों ने हमारे ऊपर बड़ा गजब किया हुआ है। मैं उनको बुरा नहीं कहती, उनके देश में ये बात नहीं है। जैसे आप रियाद जाएं तो कोई मुसलमान आपके ऊपर आंख उठा के नहीं देगा। मैंने नहीं देखा किसी कोई औरत होगी उसकी बड़ी इज्जत करेगा। रास्ते से अगर कोई जा रही है औरत तो वो मोटर रोक लेगा। वहां औरतों की इतनी इज्जत होती। और हमारे यहाँ जो है पता नहीं क्या होगा, इनका ऐसा उल्टा असर पड़ा है कि हम लोग सोचते हैं कि औरतों को बिल्कुल एक उपभोग की वस्तु, हर औरत की तरफ देखना चाहिए, गर्दन मुड़ जाएगी और देखते रहे, हर स्त्री की ओर नजर डालना ये महापाप। और सहयोग में निषिद्ध माना जाता है, बिल्कुल निषिद्ध है। इससे आपकी आंख खराब हो जाएगी पहली चीज, और सहयोग में तो और भी नुकसान हो जाएगा। और अगर वो नहीं हुआ तो अंधे भी हो सकते। कभी कभी मैं देखती हूँ कि लोगों की आंख वैसे कट 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 घूमती रहती, बात एक से करते रहेंगे और आंख घुमाते रहेंगे। अब औरतें भी सीख रही। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो आपका चित्त है। आपका जो चित्त है वो इधर उधर चल भी चल हो रहा है। वो चित्त अगर चल भी चल हो गया तो आत्म साक्षात्कार का क्या फायदा होगा, क्योंकि जो चित्त एकाग्र नहीं होगा वो कार्यान्वित नहीं हो सकता। एकाग्र चित्त ही कार्यान्वित होता है। एकाग्रता को साध्य करना चाहिए। अब विदेश में ये बीमारी बहुत ज्यादा आदमियों को है, औरतों को भी है पर आदमियों को ज्यादा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा माँ ये बीमारी वो अपने जैसे नहीं है, वो इसको कोई बड़ी अच्छी बात नहीं समझते, इसको गंदी चीज समझते, जब से सहयोग में आए सोचते माँ इसको भी इलाज बता। तो मैंने कहा बेटे देखो तुम लोग सिर्फ जमीन की तरफ देख के चलो और 3 फुट से ऊपर देखने की जरूरत है, उससे ऊपर देखने की जरूरत नहीं, और जमीन पे देखे से तो सहयोगी आप पहले पहचान लेंगे। किसी भी आप देश में जाए परदेश में वो आंख नीचे करके चलता है। 3 फुट तक सब अच्छी चीजें दिखाई देती है, फूल भी 3 फुट तक होते हैं, बच्चे भी 3 फुट तक होते हैं, उससे ऊपर देखने लायक है क्या। सो इस तरह से अपने चित्त को कंट्रोल करना चाहिए। अब श्री राम को तो जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके पास का श्री राम का मान है तो आपको उनके जैसे अपने चित्त को कंट्रोल करना चाहिए। और अपने पत्नी से भी यही समझाना चाहिए कि तुम शक्ति हो और हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, पर तुम उसके योग्य भी होना चाहिए। जैसे यत्र नार्या पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहां स्त्री पूजी जाती है वही देवता रहते हैं, पर वो पूजनीय भी होना चाहिए। बैठ जाइए। अच्छा बैठिए, पूजा में इधर उधर नहीं घूमते। अगर स्त्री पूजनीय है, पूजनते माने पूजनीय तो होना चाहिए। किसी गंदी औरत की कोई पूजा करेगा क्या? किसी दुष्ट औरत की कोई पूजा करेगा? कोई राक्षसी स्वभाव की औरत उसकी कोई पूजा करेगा? तो जो और पूजनीय है वहीं पर उसकी पूजा होनी चाहिए और वही देवता रहते। और सबसे पहले बात यह भी जान लेनी चाहिए कि ये हमारे बच्चों की माँ है। अगर पति अपने औरत पे बच्चों के सामने डांटना फटकारना शुरू कर दे, उसकी कोई इज्जत ना रखे,
तो कभी भी बच्चे उसका मान नहीं करेंगे। तो इस तरह से जैसे समझ लीजिए कि एक प्राइम मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, स्त्री को भी पति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर से डिप्टी मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर पे सत्ता आती है, फिर वो सत्ता बच्चों में भी आ सकती है। पर अगर आप दोनों भी इस तरह के हो कि जिनको ये अंदाज ही नहीं, औरत चाहती कि मेरा चले, आदमी चाहते मेरा चले, आदमियों को चलाना अगर औरत को आ जाए तो कभी झगड़ा ना हो। लेकिन ये समझना चाहिए कि आदमी को चलाना बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं, उनको चलाना बहुत ही आसान है। उनका स्वभाव बच्चों जैसा होता है, भोले भाले होते हैं, उनको बेकार की बातों से परेशान करने से आप चला नहीं सकते। लेकिन उनको भी एक बच्चों जैसे माफ कर दिया जाए। अब बाहर जाते हैं, सबसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, आफत उनकी रहती है, घर में आके बीवी पे नहीं बिगड़ेंगे तो बाहर वालों पे बिगड़ेंगे, तो मार खाएंगे, चलो बीवी बिगड़ गए, चलो छोड़ो, क्या है। इस तरह की जब तक स्त्री की भावना पति के तरफ नहीं होगी, तब तक आपस में सामंजस्य नहीं आ सकता, प्यार नहीं आ सकता। लेकिन पति को भी चाहिए कि अपने पत्नी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसका विचार। लेकिन ये नहीं कि आप पत्नी है वो कुछ गलत बात बताए, कोई गलत सलाह दे, उस पर जरूर पति को कहना चाहिए कि ये गलत है, ये नहीं मैं करने वाला, ये झूठी बात है, ये मैं नहीं करना। लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, और छोटी छोटी बातों को झगड़ा करना सहयोगियों को बिल्कुल नहीं शोभा देता। और मुझे बड़े आश्चर्य होता है कि सहयोगी भी आपस में लड़ते रहते हैं और मुझे आकर बताते हैं कि मेरी बीबी ऐसे, तो बता दो मेरा हस्बैंड ऐसे। नहीं, कल दो आदमी दुनिया में सहयोगी प्रेम से नहीं रह सकते। ये सारे संसार को मैं कह रही हूँ कि हमको सबको प्रेम से रहना, तो हम सब कैसे प्रेम से रहेंगे बताओ। ऐसी झगड़ा अगर होता रहा तो किस तरह से हो सकता। तो पहली चीज है कि पति को पूरी तरह से एक, जिसे कहते हैं कि पत्नी के प्रति जागरूक रहना चाहिए, और ये जान लेना चाहिए कि सारे संसार की औरतें जो है आपके लिए माँ बहन के बराबर। ये अगर सहयोग में आकर नहीं हुआ तो आपका कहीं भी नहीं हो सकता। अभी एक साहब थे, वो भी स्विस, अपने हिंदुस्तानी नहीं, तो एक लड़की के बाप थे, वो कोई सहयोगी नहीं थे, तो वो जरा ऐसे ही थे, इधर उधर उनका बहुत चलता था। तो वो सहयोग में भी आए, वो भी सहयोग में, दोनों बीबी उनकी बहुत अच्छी, शालीन, बहुत अच्छी लड़की, वो जहां भी जाए यही धंधे करते रहे। तो उनके बाप जो कि सहयोगी नहीं थे, उन्होंने कहा कि देखो बेटी तुम इसको छोड़ ही दो, क्योंकि जो सहयोग में भी आकर वो धंधा नहीं छोड़ता है वो कभी भी नहीं ठीक होता, तुम छोड़ दो इसको। उनका थोड़ा सा ठीक हो गया, कहले थोड़ा सा नहीं, अगर वो पूरा ठीक नहीं हो सकता तो ये सहयोगी है ही नहीं, इसको तुम छोड़ो, इससे तुम रिश्ता ही टूट। जबकि एक आदमी सहयोगी नहीं है, वो भी इस बात को सोचता है कि सहयोग में आने पर भी अगर इसकी आंखें स्थिर नहीं होती, इसका अगर चित्त स्थिर नहीं होता, तो ये गलत बात। दूसरे, हमारे संस्कृति की जो विशेषता है कि स्त्री पुरुष का आपस में मेल जोल बस भाई बहन तक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं देखती हूँ कि फौरन कोई औरत है बकबकिया, और वो जा करके बस किसी आदमी को भिड़ जाएंगे और उसे बकना शुरू कर दे, उसको पता नहीं क्या जरूरत है, मेरी समझ नहीं आता। औरतों के साथ नहीं बैठेंगे, आदमियों के साथ बैठेंगे। ऐसे कुछ आदमी भी होते हैं स्त्री लंपट, वो बस कोई दिखाई दिया औरत लग गए उसके साथ, कोई भी औरत दिखाई दे, फिर वो नौकरानी हो चाहे कोई हो, बस उनके हाथ में अगर कोई आ जाए लग गए उसके पीछे में, कोई उनको अपना आत्मसम्मान ही नहीं होता है। और इसको वो पुरुषार्थ समझते हैं, अरे भाई पुरुषार्थ करने वाले जो पुरुषोत्तम है वो तो श्री राम, वो तो वहां बैठे हुए हैं जिनको की कहना चाहिए पुरुषार्थी है, और जो बिल्कुल ही पाताल में है वो अपने को पुरुषार्थी समझते हैं। इसमें कौन सा पुरुषार्थ है, या तो फिर श्री राम को मत मानो, फिर शायद शैतान को मानो, अगर श्री राम को मानते हो तो उनके आइडियंस पे चलो। और इसीलिए अपने यहां अपने बच्चे भी खराब हो रहे हैं, औरतें भी खराब हो रही, पर तो भी मैं भारतीय संस्कृति की विशेषता कहूंगी कि औरतों ने बहुत संभाल लिया है। अभी अगर अमेरिकन जैसी औरतें होती तो आपको सब पहुंचा देती ठिकाने, उन्होंने तो सबको ठिकाने कर दिया अमेरिकन औरतों ने। वहां आदमियों का जो हाल है अगर मैं आपसे बताऊं तो, अगर दो शादियां उस बेचारे की हो गई, दो तीन शादियां, तो वो तो हाथ में झोली लेके घूमने लगता है, और औरतें ने अगर दो तीन शादियां कर ली तो महल बना के बैठ जाती।
पर वहां क्या, बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, वहां की सामाजिक व्यवस्था क्या। तो अपने हिंदुस्तान की औरतों की विशेषता है, जो कि भारतीय ढंग से रही है, कि वो अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने कर्तव्य को जानती है। पर ये चीज बदल रही है, ये नई की एक चीज है। वो भी देख रहे हैं कि अगर हमारा आदमी ऐसा तो हम क्यों ना करें, वो ऐसा तो हम उसके साथ ऐसे क्यों ना करें, वो अगर 10 औरतों के साथ दौड़ते तो हम 15 औरतों आदमियों के साथ दौड़े। इससे आप, वो अगर कंधे काम करता है, वो अगर नर्क में जा रहा है तो मैं उससे पहले नर्क में जाऊंगी, इस तरह की बातें औरतों को करना चाहिए। और धर्म की धुरा जो है वो स्त्रियों के हाथ में, स्त्री को संभालना है, स्त्री को ही पति को धर्म के रास्ते पिलाना है, समझा करके बुझा करके उसको अपने पास रखना, ये स्त्री का बड़ा परम कर्तव्य है। और उसके अंदर ये शक्ति है, और अगर वही स्वयं धर्म पे बैठी नहीं, धर्म में सबसे बड़ा धर्म है क्षमा, क्षमा करना अगर स्त्री में ना आए तो वो कोई सा भी धर्म करे उसे फायदा नहीं। पहली चीज उसमें क्षमा होनी चाहिए, बच्चों को क्षमा करना, पति को क्षमा करना, घर के नौकरों को, चाकरों को, सबको आश्रय देना, ये स्त्री का कर्तव्य। तो कुछ ऐसा आ जाता है, आप देखो कि जो हम भी कार्य कर रहे हैं, ये राम भी नहीं कर सकते थे, कृष्ण भी नहीं कर सकते थे, ईसा मसीह भी नहीं कर सकते थे। अगर राम होते तो बस वो शिरच्छेद कर देते सबका, सबको मारी डालते, कहते चलो जाओ तुम बेकार, तुम अधर्मी हो, तुम औरतों के पीछे में भागते हो, तो स्त्री लंपटो चलो, न जाने कितने लोगों को पहले ही खत्म करते थे। दूसरे अगर कृष्ण आते तो वो सुदर्शन चक्र चलाते, वो भी गड़बड़ हो जाती। ईसा आते तो अपने को क्रूसिफिक्शन पे चढ़ा लेते। अब ये तो बहुत अच्छा है, एक बार आप क्रूसिफिक्शन पे चले जाओ, काम खत्म है, रोज का क्रूसिफिक्शन तो नहीं होता। ये तो माँ ही कर सकती, ये माँ ही कर सकती, उसके अंदर प्यार की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि कोई भी चीज हो वो उस प्यार की शक्ति के सहारे पार हो जाती, वो सब चीज उठा लेती। और उसके तरीके ऐसे प्यारे होते हैं कि फिर बच्चे उसको बुरा नहीं मानते। कोई बात हो गई, अब समझ लो गड़बड़ हो गई कुछ, तो माँ है, जानती किस तरह से टाल दे, और फिर डांट भी सकती है, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि माँ हमें प्यार करती है, हमारे हित के लिए कहती, बच्चे उसका बुरा नहीं मानते। अगर बाप डांट दे तो बच्चे हो सकता है उनसे मुंह मोड़ ले, लेकिन माँ से, क्योंकि माँ का प्यार जो है वो ऐसा है कि निर्वाच, वो कुछ नहीं चाहती अपने लिए, वो ये चाहती मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरी सारी शक्तियों को प्राप्त करें, अपने अंदर जो भी कुछ मेरा अच्छा है सब प्राप्त करें। ऐसे अगर माँ समझे तो बच्चे ठीक हो जाए। पर बहुत सी माँ बहुत फॉरवर्ड आगाऊ होती, सब चीज में घुसने जाएंगी, सब चीज में बोलने जाएंगी, उसका पति तो बेचारा चुपचाप बैठे रहेगा, यही देवी जी सामने में खड़ी हुई। ऐसे जब होता है तब बच्चे खराब हो जाते, तब संसार में औरत रह के बच्चे पैदा होते हैं जो बड़े उत्पाती भी हो सकते हैं और जो बहुत हानिकारक भी हो सकते। स्त्री को पोटेंशियल पीछे रहना चाहिए और पति को आगे रखना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी है पति करे, स्त्री पीछे से उसकी मदद करती रहे, उसी के शक्ति का स्रोत ही स्त्री है, ये समझ लेना चाहिए। तो एक स्त्री को कितना शुद्ध होना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए। आप सब कहेंगे कि माँ सब स्त्रियों पे छोड़ दे, क्योंकि मैं जानती हूँ आप शक्तिशाली, मैं जानती हूँ हमारे अंदर बड़ी शक्ति है, क्योंकि मैं माँ हूं। अब देखिए मेरे ऊपर सबने छोड़ दिया कि हजारों लोगों को पार करो, इतनों को बीमारियां ठीक करो, सुबह से शाम बीमारियां ठीक कर, फिर लोगों को पार करो। ऐसे किसी ने काम किए थे? एक अहिल्या का उद्धार कर दिया, हो गया, उसके बाद किसका उद्धार किया? ईसा मसीह ने सिर्फ कुल मिला के 21 लोगों को ठीक किया, अभी तो मैंने 21,000 लोगों को ठीक किया होता अभी तक। और दुनिया भर में घूमो फिरो, सबका ये करो वो करो, सब चल रहा है, पर कुछ नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो शक्ति है ना प्यार की, तो प्यार की शक्ति मेरे से आगे दौड़ती। अभी बाहर निकलने से पहले मैं सोचती हूँ कि एक बार बंधन ले लू, न जाने कैसे लोग मेरे पैर पकड़े, लेकिन भूल जाती हूँ। और जैसे ही कोई सामने ऐसा ऐसा आ जाता, सब उसकी परेशानियां अपने अंदर खींच लेती। वो प्यार ऐसा है कि वो अपने आप ही कार्यान्वित कर, तो उसको मैं जानती हूँ कि ये प्यार है, इसी के सहारे सारा कार्य हो रहा, तो मैं नहीं कुरा मानती, जो भी हो रहा है ठीक है, थोड़ी तकलीफ होगी ना, उन दो कोई हर्ज नहीं, ये सब माँ ही कर सकती। और इसलिए मेरा विशेष आप लोगों की तरफ रुख है कि आप समाधान और स्थिरता के साथ कार्य। और पुरुषों को भी चाहिए कि अब अपने औरतों की पूरी सहायता करें और उनको समझें, उनका आदर करें। और जब तक दोनों भी पहिए एक रथ के एक जैसे नहीं होते हैं तो रथ घूमता ही रहता है, रथ आगे नहीं जाएगा। दोनों एक ही जैसे होने चाहिए
पर एक लेफ्ट को है एक राइट को है, लेफ्ट वाला अगर राइट में लगाओ तो लगेगा नहीं और राइट वाला लेफ्ट पे नहीं लगेगा। इसलिए ये दो तरह के चक्के हैं और ये दोनों तरह के चक्के चल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये एक जैसे भी है और एक जैसे है भी नहीं, एक दूसरों के बिल्कुल जैसे है, माने ये ऊंचाई में लंबाई में बढ़ाई में, लेकिन इनका कार्य जो है वो अलग अलग है। इसी प्रकार हमारे भी जीवन में होता है। तो श्री रामचंद्र जी ने सिर्फ पति पत्नी का ही विचार नहीं किया, बच्चों का और अपने कुटुंब व्यवस्था का ही विचार नहीं, अपने भाई बहन माँ बाप सबका विचार रखा जैसे एक मनुष्य को होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने समाज का भी विचार रखा, जन का विचार रखा, देश का विचार रखा, राज्य का विचार रखा, जैसे कि एक मनुष्य की सारी ही गतिविधियां होती हैं वो सारी गतिविधियों में उन्होंने दिखाया कि मनुष्य को किस तरह से होना चाहिए। जो मनुष्य अपने पत्नी को इतना प्यार करता था और जो जानता था कि वो असंपूर्णतया शुद्ध है उसको उन्होंने त्याग दिया। आजकल तो पत्नी के नाम ये बनाओ, पत्नी को वो चाहिए, पत्नी को ये करना है और ये बनाना है, और कर कहा जाए कि गरीब को थोड़ा सा दो पैसा देने देंगे, नहीं तो अपने बच्चों को दो, नहीं तो नेव्यूज को दो, तो ये करो, मतलब राजकीय लोगों की बीमारी है। और इन्होंने अपनी वो पत्नी की जो स्वयं साक्षात देवी स्वरूप अत्यंत शुद्ध थी उसका तक त्याग कर दिया, तब फिर हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो ममत्व है और रिश्तेदारी है कि ये मेरा घर ये। और कुछ लोग तो अब जैसे विदेश में पहले पत्नी पति का ठीक नहीं होता, अब जो ठीक हो गया तो सहयोग में है कि वो पत्नी सब कुछ हो गई। हमारे यहाँ कम से कम 4 या 5 लीडर्स पत्नी के वजह से निकल गए, क्योंकि पत्नी ठीक नहीं हुई, पति ठीक थे, पत्नी ने पढ़ा पढ़ा कर बेचारों का सत्यानाश कर दिया। कम से कम 5 लोग पत्नियों के वजह से भाग निकले। सो यहां भी मैं कहूंगी कि पत्नी को समझना चाहिए कि सहयोग क्या है और उसमें अपना क्या स्थान है, और पति को भी ऐसे मामले में पत्नी से जरा सा भी नहीं सहमत होना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, बहुत ज्यादा दौड़ती हो, तुम चुप बैठो, तुम किसी काम की नहीं, तुम्हारे चक्र ठीक करो। जब पति इस तरह के उसके साथ व्यवहार करेगा तभी ना तो वो ठीक होगी, पर यह कि उसके चक्र खराब तो मेरे भी चक्र खराब हो जाओ। उसने कहा कि चलो तुम ये करो तो मैं वो करूं, कर पत्नी ने कहा कुछ पैसा मार लो तो पैसा मार लेते। सहयोग में आने पर भी उस सूक्ष्म अपनी जो खराबियां चिपक जाती उधर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो आज श्री राम के इसमें हमें हनुमान जी का तो जरूरी विचार करना चाहिए कि हनुमान जी किस तरह से एक श्री राम के दास थे और किस तरह से उनकी सेवा चाकरी में लगे रहते और हर समय उनके ही सेवा में रहने से ही वो जानते थे कि उनका पूरा सार्थक हो जाएगा। उनके जैसी वृत्ति भी सहयोग में हमें अपनानी चाहिए। इसका ये नहीं मतलब कि आप मेरे लिए खाना बना बना कर भेजे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तो खाना खाती नहीं हूं और मुझे खाना बना बना करके और परेशानी में आप लोग डाल दें, इसने ये बना के भेज दिया, उसे वो बना के भेज दिया। भाई भगवान को कहते हैं ना कि सिर्फ भूख दिखाना चाहिए, और जो खाता नहीं भगवान उसको क्यों परेशान करना खाने से। खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्या चीज चाहिए, तत्पर सेवा करने में तत्परता चाहिए। हनुमान जी कोई खाना बना के भेजते थे क्या श्री रामचंद्र जी? ये दिल्ली वालों ने मुझे इतना परेशान किया खाना बना बना करके कि मैंने अब शर्त लगा दी कि तुम लोग अगर खाना बनाओगे तो मैं आऊंगी नहीं दिल्ली। जो चीज करनी है वो करो, ये तो बेकार की चीज है। जो आदमी खाना नहीं खाता उस पर जबरदस्ती आप खाना खिला रहे हैं, या जिस आदमी को कोई नहीं कहे चूड़ी लेके आ गए तो कहीं कुछ लेके आ गए,
कोई चीज की जरूरत नहीं, तुम्हारे माँ को भरा पड़ा हुआ है, मैं तंग आ गई सब चीज। इतना मैं कहती कि मुझे कोई चीज मत लाओ, बस फूल ही लाओ और कुछ नहीं चाहिए, फूल बहुत हो गया। फूल भी जब लगाएंगे तो 1000 रुपए की मत लगाओ भाई, सर्वसाधारण आज तो इतना कोई ज्यादा नहीं किया, तो कभी कभी तो मैं घबराई जाती हूँ जितने फूल तुम लोग लगाते। सो जो कुछ करना है वो संतुलन में, जैसे माँ को पसंद है, माँ तुम्हारी सीधी सादी औरत है, उसको क्या अक्ल है इन सब चीजों का। तो खास करके अब ये कहना है कि आपको हनुमान जी से सीखना कि वो सेवा में तत्पर। सेवा में तत्परता क्या हो, अब मेरी तो कोई ऐसी खास सेवा नहीं है क्योंकि हट्टी कट्टी हूं मैं, मुझे कुछ जरूरत नहीं खास सेवा की, पर जो मेरी सेवा करनी तो सहयोग की सेवा, सहयोग में जो सेवा करेंगे वही मेरी सेवा हो रही। कितने लोगों को आपने रियलाइजेशन दिया, कितनी औरतों को आपने रियलाइजेशन दिया, कितनों को आपने पार कराया, कितनों में आपने इंटरेस्ट लिया। जैसे ही कोई आ जाता है प्रोग्राम में, तेरे अंदर ये भूत है, तेरे अंदर ये भूत है, बस उसके पीछे पड़ गए, वो भाग गए। मैंने एक साहब से पूछा, साहब आप बड़े से पार हो गए थे, आप सहयोग से क्यों भागे? कहले जाते साहब तो बता तुम्हारे अंदर 3 भूत बैठे। अभी नंबर भी उन्होंने बता दिए। मैंने कहा आपने विश्वास क्यों कर लिया? कहले वो तो वहां के बड़े महारथी लग रहे थे, दौड़ दौड़ के बता रहे थे कि आपके अंदर 3 भूत है। अब वो कौन साहब थे कौन नहीं, वो तो भाग खड़े हो गए। सो सहयोग के अंदर में हनुमान जी की जो बात है वो सीखना है कि हम तत्पर है, राम काज करने को तत्पर। काज कौन सा है हमारा? मेरा काज है सहयोग, मेरा कार्य है सहयोग। कुंडलिनी का जागरण करना, लोगों को पार करना, उनके अंदर शांति लाना, प्रेम लाना, प्रेम की बातें करना, उनसे अपने सहयोग के बारे में सारे चक्र आदि का वर्णन करना, उनको जो चाहिए सो समझाना। अब जब ये कह दिया तो लेक्चरबाजी बहुत होती है हमारे यहाँ, तो कुछ कुछ लोग इतने लेक्चर देने लग गए थे कि मैंने कहा भैया अगर आपने इसको लेक्चर को बंद नहीं किया तो सहयोग ही खत्म हो जाए। लोगों ने कहा माँ 2-2 घंटे लेक्चर देते हैं, फिर आपका हम भाषण भी नहीं सुन पाते, आरती भी नहीं कर पाते, ऐसी घर जाना पड़ता, फिर उनका लेक्चर बंद करवाए। वो कहने लगे कि मैं जाता हूं तो पता नहीं क्या हो जाता, मेरा मन करता मैं लेक्चर ही दे दूं, इसको कैसे ठीक कर। देखा भाई देखो मुंह में एक सुपारी रख लो, तो पूछते कितनी बड़ी रखो। मैंने जितना बड़ा मुंह उतनी बड़ी रखो। तो मैंने कहा जब आपको ये भी नहीं पता कितनी बड़ी सुपारी रखो तो आप सहयोग पर बात क्या कर, इसकी भी तो आपके पास अकल नहीं। तो सहयोग में बात करना लोगों को बहुत अच्छा, मतलब लेक्चर देना, जैसे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, बस माइक मिल गया, चले माइक पे बोलना, माइक तो छूटता नहीं फिर, एक बार माइक पकड़ लिया तो छूटता नहीं, ये भी एक नई बीमारी। अब उसमें समझ ये लेना है कि काहे को लेक्चर देना, माँ के इतने लेक्चर है भाई, यही सुना। तो अब जब भी फंक्शन आप लोगों का यहाँ ये हो, उसमें आप मेरा एक चाहे तो वीडियो लगा दो, चाहे तो मेरा टेप सुना दो, उसके बाद उनको कागज पेंसिल दे दो कि भाई तुमको जो कुछ लिखना है लिखो, कोई प्रश्न हो बता दो, और उसके बाद में उनकी जागृति कर दो और उनसे कहना कि नेक्स्ट टाइम आपको जो कुछ प्रॉब्लम है लिखे लाइए। तो शुरू उनका जो प्रॉब्लम है, किसी बीमारी है, किसी को तकलीफ है, कुछ है। अब ऐसे भी लोग हैं कि जो एक आदमी है, अब वो कलकत्ते भी आएगा किसी को ठीक करने, वो जाएगा उसको जाना हो तो अब लोग बुला रहे हैं कि तुम वहां चलो ठीक करने के लिए रशिया में। एक ही आदमी हनुमान जी जैसे दौड़ता रहे इधर से उधर, उधर से उधर, बस सब लोग आप ठीक कर सकते हैं, सब लोग आप लोगों को ठीक कर सकते हैं, सब औरतें ठीक कर सकती हैं, आदमी ठीक कर सकते हैं, पर कोई हाथ ही नहीं डालता। लेक्चर देने से यह है कि सब लोग देखें कितने लोगों को बीमारी ठीक करते, पता नहीं क्या बात है कि एक ही आदमी अभी तक सारे हिंदुस्तान में है जो लोगों को ठीक कर सकता है। हालांकि लंदन में कम से कम 15-20 लोग हैं जो लोगों को ठीक करते हैं, फ्रांस में लोग हैं वो लोगों को ठीक करते हैं। तो ये ठीक करने का तरीका क्या है ये सीख लेना चाहिए और बंधन लेकर के ठीक करना चाहिए लोगों। उसके लिए अब आप क्या बाहर से बुलाएंगे लोगों, और आप सहयोगी किस दिन के लिए, आप बैज लगा के घूमते हैं, आप ठीक भी नहीं कर सकते, फिर बैज उतार दो। अपने को भी नहीं ठीक कर सकते, अपनी भी बीमारी नहीं ठीक कर सकते, तो दूसरों क्या ठीक करो।
तो ये बात होनी चाहिए कि सबको ठीक करने का इल्लोधार जो है उसकी सबको शक्ति दे दी गई, उसको आप लोग सीख लें, उसको मास्टर करें। और आप बजाय इसके कि कलकत्ते को ही आए, कलकत्ते से लोग जाए दूसरों को ठीक करने, इसमें हिम्मत की जरा सी बात है, कुछ नहीं होने वाला तुमको। तुम ना तो कोई बीमार हो सकते हो ना कुछ हो सकता है। जो लोग जितना सहयोग में कार्य करेंगे उतने गहरे उतने, क्योंकि तो जैसा पेड़ है वो जितना फैलेगा उतना ही गहरा उतरेगा। सहयोग में और इनका अवतरणों में एक बड़ा भारी फर्क है कि पहले उन्होंने कोई सामाजिकता से अध्यात्म नहीं दिया था, ये शक्तियां किसी को दी नहीं थी, समाज के लिए मिली नहीं। एक आध आदमी को शक्तियां मिली थी, जैसे कि राजा जनक ने नचिकेता को आत्म साक्षात्कार दिया। लेकिन अब तो आप सबके पास ये शक्तियां प्राप्त है, बस इसको ऐसा बढ़ाइए कि आपको कोई भी चीज की जरूरत ही ना रह जाए। आप अपनी तबीयत ठीक कर लीजिए, दूसरों की तबीयत ठीक कर लीजिए, आप सहयोग समझ लीजिए, सब कुछ आपके पास है। लेकिन अभी भी आपका चित्त पता नहीं कहां घूम रहा है, आप लोग पता नहीं किस चीज के पीछे में भाग रहे हैं कि अभी आपने इस चीज को पकड़ा ही नहीं। सहयोग में सबके लिए सिर्फ वरदान के सिवा कुछ है, आपको कोई चीज की भी कमी नहीं रह जाएगी। पर आप सहयोग के लिए कुछ करें तब तो ना, और नहीं करते तो भी वरदान मिलता है। जिसको देखती हूँ वो बिजनेस बढ़ गया, किसी की नौकरी बढ़ गई, किसी की ये हो गया, किसी की वो हो गया, सबको कुछ ना कुछ चीज मिलती ही जा रही है। कोई भी उनको त्याग नहीं करना पड़ा। एक तो हम आपसे बताए कि जब ये फ्रीडम का हुआ था कि देश को फ्री करना है, तो हम ही को लोगों ने कितना सताया था, बर्फ पे लिटाया, इलेक्ट्रिक के शॉक दिए, हमारे पिताजी जेल में गए कितनी बार, माँ जेल में गई, हम लोगों के घर बिक गए, हम लोग झोपड़ियों में रहने लग गए, मोटरें बिक गई, कितना सैक्रिफाइस किया। अरे वैसा तो कुछ करना ही नहीं है आपको, पर सब लेना ही लेना नहीं होना चाहिए, देना भी होना चाहिए। अगर एक दरवाजा खुला है तो दूसरा दरवाजा भी खोलना चाहिए। एक ही दरवाजा खोलने से नहीं होता, सब बताएंगे माँ मेरा ये भला हो गया, मेरा वो भला हो गया, तुमने किसका भला किया। इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हमने कौन सा भला काम किया। पर नेतागिरी के लिए बहुत झगड़े हैं कि कौन नेता हो, ये बड़े झगड़े हैं। सब बना बनाया स्टेज है, आप नेता पे आपको जान लेना चाहिए कि ये सब माँ का खेल है। किस दिन आप नीचे गिर जाएंगे वहां से आपको पता होना चाहिए। खासकर औरतों को तो बिल्कुल ऐसे चक्कर में आना ही नहीं चाहिए, उनको फौरन ऊपर से नीचे गिरना पड़ेगा। और आदमियों को भी समझ लेना चाहिए कि इसमें नेता वेता कोई है नहीं, ये सब माने बनाया हुआ खेल है, और इस चक्कर में आना ही नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो लीडर्स आ गया, काय के लीडर्स और काय करके, सब एक खेल बनाया माने, इसमें लीडर्स वीडर्स कोई नहीं है। सिर्फ यह है कि देखा जा रहा है कि आप कितना तौल सकते हो, अगर आपके अहंकार चढ़ गया तो गए आप, तो फौरन दिखाई दे। सहयोग में कोई चीज छिपती नहीं, सब चीज सामने आ जाती। मैं कुछ कहूं या ना कहूं वो अपने आप मुंह पे ताला लगा के उतर आते, अपने आप। हम लीडर है, देखा क्या कल मुंह में ताला लगा लिया, भाई क्यों, पहले हमने ये खराब काम कर। तो लीडर पे और जिम्मेदारी आ जाती है कि हम और अच्छे और नम्र और मीठे और प्यारे बन जाए, और सबको मिला के सबकी पूछ करके सबके से चले। अब ये सब चीजें आज रामचंद्र जी के विशेष दिवस पर हमें मानना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ भी जीवन में करके दिखाया उसका कुछ भी अंश हम करके दिखाया तो माँ के जीवन को भी चार चांद लग जाएंगे। उन्होंने इतने दिन वनवास किया, वनवास में रहे, जंगलों में बगैर कुछ पहने हुए घूमे फिरे, कितनी मेहनत करी, और सिर्फ अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए उन्होंने कार्य किया। अब मेरी आज्ञा मानने के लिए आप लोग सिर्फ कोई वनवास जाने की जरूरत नहीं, आपको नंगे पैर घूमने की जरूरत नहीं, भूखे रहने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत, सब व्यवस्था है। लेकिन सहयोग में आपको लोगों को ठीक करना आना चाहिए, लोगों की बीमारियां ठीक करनी आनी चाहिए, और आपको सहयोग के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी जाननी चाहिए चीज कि सहयोग ये प्रेम है, ये प्रेम की शक्ति जो कार्य कर रहा है और कोई नहीं, और उसी से
सब लोगों का भला हो सकता है। ये कोई एक आदमी के लिए नहीं है, एक विशेष लोगों के लिए नहीं है, ये कोई एक देश के लिए नहीं है, ये है सारे विश्व के लिए। तो एक ये भी देखना चाहिए कि हमारा चित्त कैसा है, कहाँ जाता है, बार बार करके हमारा चित्त जाता है, उसको चित्त को निरोध करना चाहिए, रोकना चाहिए, उसमें आत्मा की शक्ति पूरी तरह से भरनी चाहिए और मनुष्य को एकाग्र होकर के हर कार्य को करना चाहिए। भक्ति भाव से, प्रेम से अगर जो करेगा वो बहुत गहरा उतरेगा, और नहीं तो ऐसा ही कचरा बहुत होता है और कचरे का जो अंत होता है वो भी आप जानते हैं। तो आपको अगर कचरा बनना है और आप अपने को बहुत विशेष समझ रहे हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, हम तो ये कर लेते हैं वो कर लेते, तो पहली चीज है कि नम्रता रखो, मेरे प्रति नहीं सबके प्रति नम्रता से बात करो और प्रेम से बात करो। देखना यही जो मनुष्य आज एक मानव है, बेकार चीज है, वही सहयोग में आते साथ कमल जैसे खिल जाता है और उसका सुगंध चारों ओर फैलता। लोग मुझे आके फौरन बता देते माँ ये आदमी है कमाल का, ये बस ऐसे आदमी। ऐसे ही आप लोग सब काम करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए जैसे लोग कहते कि कमाल के, ऐसे आपके लिए भी कहें। सबसे बड़ी चीज है कि मेरे लिए तो आप ही राम का मंदिर है और आप ही इस मंदिर को अपने अंदर बनाए और उसकी पूजा हो और उसको संभाले, उसको देखें और अपने आत्मसम्मान के साथ रहे, अपने आत्म साक्षात्कार का पूरा फायदा भी उठा रहे हैं और उसी के साथ उसकी पूरी इज्जत और उसके प्रति भक्ति होनी चाहिए कि अब हम आत्म साक्षात्कार ही, हम ऐसे कैसे कर सकते, हम योगी हैं, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता, ये गलत काम। और आप देखिए कि एकदम आशीर्वाद उसी के साथ आ जाए एकदम उसी वक्त। ये तो रोकड़ा देवी नाम रखा है लोगों ने मेरा, कि हमने बस तय कर दिया और फौरन उसका आ गया। इतना इसका परिणाम, इसका लाभ सबको हो रहा है, सिर्फ उस लाभ के अनुसार आप भी दुनिया को लाभ दें। जैसे कि श्री राम ने अपनी सारी शक्तियां इसमें लगा दी कि जन का हित हो, संसार में एक आदर्श पुरुष की एक मूर्ति बन जाए जिसको लोग देखें। जिस वक्त ये हमारे अंदर घटित हो जाएगा आपको आश्चर्य होगा कि आप सब के सब कहां से कहां पहुंच जाए। आपके अंदर कोई बीमारियां नहीं रहनी चाहिए, सब बीमारियां चली जानी चाहिए, उसको साफ कर दीजिए। जो आपकी आते हैं उसको आप बदल दीजिए, जो जरूरत है वो खाइए, जो जरूरत है उतना बोलिए, सबको आप देख ले रहे और इसके लिए अपने अंदर आप मनस जिसको कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन, अपने और देखना, अपने और देखना, अंतर निरीक्षण, निरीक्षण जिसको कि देखते रहना, क्या करा मैं, ये क्यों करा मैं, वो क्यों करा, मुझे क्या करने की जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सहयोग हूँ, मैं सब क्यों करा, मेरा ये कहाँ जा रहा दिमाग, रुक जाओ। पूरी समय इस तरह करने से ही आप ध्यान में हो जाए और स्वयं आपकी कुंडलिनी इससे बहुत संतुष्ट होकर और आपको ऐसा आनंद प्रदान करे कि आप कहेंगे माँ ये क्या मिल गया हूं। लेकिन जब आप इसमें फिसल पड़िएगा फिर आप जानिएगा ये चीज क्या है। बस इसमें फिसल पड़ना है तभी तक की थोड़ी बहुत मेहनत है। आज मैंने कहा था कि रामचंद्र जी का तो 12 बजे जन्म हुआ था तो आराम से ही पूजा होने दो और ठीक हो रहा है। इसमें रामचंद्र जी की पूजा में तो कोई खास काम नहीं है और बहुत लंबी चौड़ी पूजा भी नहीं है, लेकिन इसमें समझने की जरूर बात है क्योंकि वो मनुष्य स्वरूप थे और मनुष्य स्वरूप जो है वो अपने अंदर जो मनुष्यता है जिससे हम चीज को समझते हैं, इससे हमारे बुद्धि में, हमारे जिज्ञासा में और हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाए, वो चीज श्री राम है। उन्हीं के माध्यम से हमारे विचार बदल सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारा स्वभाव बदल सकता है, क्योंकि हमारे लिए एक वो आदर्श है। उनके आदर्श तक पहुंचने के बाद ही दूसरे आप आदर्शों तक पहुंच सकते, क्योंकि वो मनुष्य का आदर्श है। कितनी बड़ी चीज है कि परमात्मा मनुष्य बनकर इस संसार में आए,
कि इनके लिए हम आदर्श बन जाए और सब विपत्तियां उठाएं, सब आफतें उठाएं, दिखाने के लिए कि कोई सी भी विपत्ति और आफत आती है मनुष्य को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, विश्व धर्म नहीं छोड़ना चाहिए और अपना योग है उसमें बने रहना चाहिए। आप सबको हमारा अनंत आशीर्वाद।